Right, now in Mumbai's Govandi, a toxic smoke from the biomedical waste plant has made the lives of thousands of people living there very difficult. Many of them, in fact, have developed respiratory illnesses due to the toxic emissions from this bio-waste plant. Now, taking note of this plight, the Maharashtra government had ordered the factory to be relocated. The deadline that was set was February, but we are in May and no action is being seen on ground. My colleague Abhishek reached out to the residents there who are suffering. Listen in to what they have to say. हमने एक फाइनल इंटेंशन कोट किया था, तो उसमें हमने ये कहा है कि ये महीने के एंड तक हमने सामने से ये कहा है कि ये महीने के एंड तक किसी भी तरीके से इस प्लांट को शिफ्ट किया जाए, जो कि डायरेक्टर से भी कम्युनिकेशन था. डायरेक्टर ने कहा कि ऑलमोस्ट 90% वर्क इज डन, ओनली 10% वर्क आर पेंडिंग. तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, इस चीज़ के बारे में दिलासा दिया है कि हम जो 10% है वो महीने एक से दो महीने के अंदर हम लोग कर लेंगे. अगर वो फिर भी नहीं करते, हम ये महीने के एंड तक वेट करेंगे. अगर ये महीने के एंड तक अगर वो कंपनी को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो अभी हम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं अपने स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से, कि अब जो है हम रुकेंगे नहीं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम इसको फौरन इमीडिएट ग्राउंड पे इसको एनजीटी में फाइल करने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी है. Now, one of the teenage girls living in the area has developed tuberculosis due to the toxic smoke from this plant. My colleague reached out to her family members. Listen into what they have to say. We are present at one of the resident in Govandi area, and you can see beside me, this is a girl who had suffered from tuberculosis from past 2 years, and she is at the verge of getting recovered, but prominently she has faced some issues in the legs because of that. And this is the problem of many of the residents out here. And what you can see, you know, her mother, even her grandmother are standing over here, and let's try and speak to them to understand what all went through. Madam, kya aap bata rahe the ki inko TB hua tha, abhi recover ho rahe, kya reason hai yahan par rehte hain? यहाँ सब बोल रहे हैं धुएं से सबको तकलीफ बढ़ रही है, बंद हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन क्या करें, अपने तकलीफ हो गया किसको बोल सकते. अरे अपने लड़की जैसा किसी को भी ना हो, सोच रही हूँ जल्द से जल्द बंद हो जाए. फरवरी में कहा जा रहा था कि ये प्लांट शिफ्ट दो महीने में बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं. अब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी पकड़ रही है सबको, जल्द से जल्द बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है. मेरी बच्ची जैसा पोजीशन किसी को ना हो, मैं बहुत तकलीफ उठाई हूँ. अपनी लड़की को 4 साल लेकर बहुत तकलीफ उठाई हूँ. मैं ही जान सकती कि मैं कैसे कैसे दौड़ी अपनी बच्ची के लिए. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद करा दीजिए. मेरी बच्ची मार के बच्ची है. वापस इसे लग रहा था कि मैं जन्म दी लड़की को 4 साल से पाल रही हूँ, अब उसकी जिंदगी खराब हो गई. अब क्या कर सकते, कोई काटने वाला है. दोनों पैर से मजबूर हो गई है. अब डॉक्टर 7 लाख रुपए ले रहे हैं, हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना पैसा.